असलकम स्टूडेंट्स हमारा बाब सोम चल रहा था तो बाब सोम से हम लेसन नंबर फ़ाइव पढ़ रहे हैं तो आज हमने इस लेसन के सवाल नंबर एक का जिम जुज़ पढ़ना है तो जिम जुज़ है आज के दौर के माशरती मसाइल पर इस्लामी तलीमत से हमें क्या रहनुमाई मिलती है तो सबसे पहले तो आप इस सवाल की जो हैडिंग बनाओगे वो बनाओगे माशर्ती मसाइल और इस्लामी तलीमत ठीक है जी ये होगी इसकी हेडिंग माशर्ती मसाइल और इस्लामी तलीमत अब मैं आपको इसका जवाब मार करके बता देता हूँ पेज नंबर ट्वेंटी सेवन पे यहाँ से लेकर ये एंड तक ये इसका जवाब है तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि माहौल कहते किसको हैं तो स्टूडेंट्स माहौल इंसान के इर्द गिर्द जो भी चीज़ है वो माहौल के अंदर शामिल है इन्वामेंट के अंदर इर्द गिर्द की हर चीज़ शामिल होती है उसमें आपका घर भी है घर वाले भी हैं दोस्त भी हैं मोहल्ले वाले भी हैं वतन वाले भी हैं आपकी जो इर्द गिर्द गली महल्ला है वो भी आपके इन्वामेंट में शामिल है और हर हर वो चीज़ जो आपके इर्द गिर्द है वो आपके माहौल में शामिल है तो इसलिए हमें इन्वायरमेंट को फ्रेंडली बनाना है अच्छा बनाना है माहौल तो अच्छा बनाने के लिए क्या क्या हमें इकदाम लेने पड़ेंगे हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी उनमें से चंद एक यहाँ पर ज़िक्र हैं और इस्लाम ने भी इनका हुक्म दिया है तो यहाँ पे इस किताब के अंदर जिन चीज़ों का बयान है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने ये लिखा कि हसन माशरत के, के सिलसिले में मंदरजा जैल का भी ख्याल रखा जाए क्योंकि ये हमारे हमारी आज के दौर की माशरती ज़रूरियात में बहुत अहमियत के हामिल हैं तो फिर इस इसके बाद किताब वाले ने हेडिंग बनाई है लेकिन आपने हेडिंग यहाँ पे नहीं बनानी आपने बिल्कुल स्टार्ट में वही हेडिंग बनानी है ब, बना देनी है जो मैंने आपको बनवाई है तो इसके बाद इसने लिखा है जी माहौल को आलूदगी से बचाया जाए आलूगी से कैसे बचाया जा सकता है हम अपने घरों को और कमरों को साफ रख के माहौल को आलूदगी से बचा सकते हैं इसी तरह हमारी जो फजूल चीज़ें होती हैं जो गंदी चीज़ें होती हैं और जो नाकारा चीज़ें होती हैं हम अगर उनको बाहर ना फेंकें तो फिर भी हमारा माहौल अच्छा बन सकता है देख लें आज हमारे सब्ज़ी बेचने वाले जो होते हैं वो अपनी जो नाकारा चीज़ें होती हैं वो वही सड़क पर वही गली में वही मोहल्ले में फेंक के चले जाते हैं उनको इतनी सेंस नहीं होती तो इस वजह से हमारा माहौल गंदा होता है और इसी तरह आजकल कुछ बुरे लोगों की आदत ये भी बनी हुई है कि वो अपना कचरा उठाकर बाहर गली में फेंक देते हैं या किसी के घर के सामने रखाते हैं तो ये एक बहुत गलत हरकत है हमें इससे ख़ुद भी बचना है और दूसरों को भी इसका सबक देना है तो ये भी गंदी चीज़ों में आती है नकारा चीज़ों में आती है इसी तरह शोर की आलूदगी से भी बचना है शोर से भी बचाना है माहौल को तो हमें चाहिए कि हम ऊंची आवाज़ में रेडियो टेलीविजन डेक या इस तरह की और भी कोई चीज़ उसका वॉलीम हाई लेवल पे ना रखें बल्कि उसका वॉलीम स्लो रखना चाहिए इसके बाद है जी गलियों में और सड़कों पर खेलना भी नहीं चाहिए इससे नुकसान क्या होते हैं वो यहाँ पे तीन नुकसान लिखे हैं एक तो राहगीरों को तकलीफ़ होती है जो गुज़रने वाले होते हैं उनको तकलीफ़ होती है दूसरा घरों को भी नुकसान पहुंचता है आप देखते हैं कि गली मोहल्ले में जो क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी और खेल खेलते हैं तो वो लोगों के शीशे भी टूट जाते हैं और इसी तरह आने जाने वाले को चोट भी लग सकती है तो उसके बाद हम माहौल को और मज़ीद के बेहतर कैसे बना सकते हैं हम दरख्त और पौधे लगा के भी इस वो माहौल को बेहतर बना सकते हैं वो हमारी सेहत के लिए भी बेहतरीन चीज़ है एक तो नए पौधे लगाने हैं नए दरख्त लगाने हैं और दूसरा ये कि जो पहले से मौजूद हैं हमने उनकी हिफाज़त करनी है इसी तरह अगर कोई गैर मुल्की हमारे मुल्क में एज आ विज़िटर आते हैं या किसी भी लिहाज से गैर मुल्की हमारे मुल्क में आते हैं तो हमें उनका एहतराम करना चाहिए अहतराम करने का फ़ायदा क्या होगा हमारे मुल्क की इज़्ज़त बढ़ेगी हमारी बतौर कौम के इज़्ज़त बढ़ेगी उन लोगों के माइंड में हमारा ये इमेज बनेगा कि ये अहतराम करने वाले लोग हैं अगर बदतमीज़ी करेंगे तो फिर आपको पता ही है कि कैसा इमेज बनेगा उसके बाद अगर उनको किसी भी किस्म की ज़रूरत हो मदद की ज़रूरत हो तो हमें वो करनी चाहिए इसी तरह अगर हम सफ़र कर रहे हैं बस के अंदर वैगन के अंदर वहाँ पर अगर हमें हम हमारे पास सीट है लेकिन एक माजूर एक बीमार कोई बुज़ुर्ग या कोई औरत खड़ी हुई है तो हमें उठ कर उनको सीट दे देनी चाहिए ये भी चीज़ हमारे माहौल को बेहतर बनाती है इसी तरह अगर हम किसी गाड़ी पर हैं साइकिल पर हैं मोटरसाइकिल पर हैं या किसी बड़ी बड़ी गाड़ी पर हैं तो हम सफ़र कर रहे हैं तो हमें वो ट्रैफिक के कवानीन और उस ट्रैफिक के इशारों का भी ख्याल रखना चाहिए ये तो चंद चीज़ें हैं जो हमारे माहौल को बेहतर बनाती हैं तो उसके बाद यहाँ पे किताब पे एक हेडिंग बनी हुई है उसवा रसूल मकबूल अलैहि वसल्लम तो आप इसकी जगह पे हेडिंग बनाओगे हुस्ने मुआशरत के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना ठीक है जी ये हेडिंग बनाओगे आप और इसमें क्या बयान हुआ जी इसमें यह चीज़ बयान की गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए नमूना है किस लिहाज़ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तकालीफ़ दी गई बहुत ज़्यादा उनके ऊपर लम के पहाड़ तोड़े गए हती कि उनको अपने शहर से निकाल दिया गया मक्का से निकाल दिया गया और वह मदीना जाने पर मजबूर हो गए तो जब मक्का शहर में कहत पड़ा गल्ला ख़त्म हो गया तो मक्का वालों ने अपना एक नुमाइंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना में भेजा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उस नुमाइंदे ने मदद तलब की थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अशरफियाँ भी दी थी और गले का इंतज़ाम भी किया था और कहत से निजात के लिए अल्लाह ताला से दुआ भी की थी उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक वाक़या है और आपको पता ही है कि प्यार मोहब्बत शफ़त ये हमारे माहौल को बेहतर बनाती है इसके बरअक्स अगर कोई वो सख्ती से पेश आता है बेजा सख्ती वो हमारे माहौल को ख़राब करती है तो प्यार मोहब्बत ये हमारे माहौल को बेहतर बनती है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का की सीरत का एक वाक्य यहाँ पे लिखा हुआ है कि हज़रत रज़ी अल्लाह दस साल वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहे तो नबी अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा भी दस साल के अंदर तलख बात उनसे नहीं की तलख बात का मतलब सख्ती से बात नहीं की तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत कितनी प्यारी थी आज हम अगर किसी ग़ुलाम के साथ एक दिन ही गुजार लें तो एक दिन में हम कोई ना कोई ऐसी बात कर जाते हैं जो उसको तकलीफ़ देती है तो बहरहाल इसके बाद आखिरी पैराग्राफ जो है उसमें ये लिखा गया है कि ये जो हमने सबक पढ़ा है इससे हमें क्या सीखना चाहिए हमें ये सीखने को मिलता है इसके अंदर कि हमें अपने घर घर को अपने पड़ोस में अपनी मस्जिद अपने मोहल्ले स्कूल और सारे माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए इसी तरह हमारे जो ताल्लुक़ वाले हैं और जिनका ताल्लुक़ यानी कि जो दूर वाले हैं जो हमें जानते भी नहीं हैं हमें हर एक के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए उनकी ख़िदमत करनी चाहिए और इसी तरह माशरे के एक मुफीद रुकन बन के हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए माशरे के अंदर जो भी हमें मिले बड़ा हो तो उसके उसका अहतराम किया जाए छोटा हो तो उस पर शफकत की जाए वालदेन का कहा माना जाए भाइयों की खिदमत की जाए बहनों के साथ प्यार मोहब्बत और शफकत से रहा जाए तो हर एक जो भी फ़र्द है मुआरे के अंदर रहने वाला एक माहौल के अंदर रहने वाला हमें उसके साथ एक अच्छे अखलाक के साथ पेश आना चाहिए तो ये था सवाल नंबर एक का जीम जुज़ अब इसके बाद है सवाल नंबर दो मुख्तसर जवाब दें तो उसमें जुज है इस्लाम ने वालदान और इससे से कैसे पेश आने का हुक्म दिया है तो ये आप पहले पढ़ चुके हो मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ लेकिन जुमला में आपको बोल के बता दूँगा जैसे आपने लिखना होगा तो ये है जी इस्लाम ने हदायत फरमाई कि वालदान इस बुज़ुर्गों का अहतराम किया जाए तो आप इसका जवाब लिखते हुए क्या जुमला लिखोगे इस्लाम ने हिदायत फरमाई के वालिदैन इस और बुज़ुर्गों के साथ अहतराम से पेश आया जाए तो ये कुछ चेंजिंग है एंड पे वो मैंने आपको बोल के बता दिया आप जुमला किस तरह के किस तरह से लिखोगे मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ इस्लाम ने हिदायत फरमाई के वालदेन इस बुज़ुर्गों के साथ अहतराम से पेश आया जाए इसके बाद अजी हया और वक़ार के हवाले से कैसे ज़िंदगी गुजारी जाए तो इसका जवाब जो है वो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आप अगर पढ़ोगे तो ये आपको जवाब समझ आ जाएगा लेकिन लिखना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ आपने ऐसे लिखना है जुमले ऐसे बनाने हैं इस्लाम ने हमें बाहया और बाार ज़िंदगी गुज़ारने का हुक्म दिया है इस हवाले से ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका ये है कि हम वालदाना बज़ुर्गों खवातीन और कानून का अहतराम करें दोस्तों के साथ मुहबत और मुरत से पेश आएँ छोटों पर शफकत करें और अपनी जुबान और हाथ के शर से दूसरों को महफूज रखें तो ये आपने इस तरह से इसका जवाब लिखना है इसके बाद जी जीम जो रेडियो और टी वी को कैसी आवाज़ से चलाना चाहिए तो ये आप पहले पढ़ चुके हो बल्कि आपने जो इसका जवाब पढ़ा है वो आज ही पढ़ा है वो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ये है स्लाइन को पढ़ोगे तो इसका जवाब समझ आ जाएगा लेकिन आपने लिखना कैसे है वो जुमला कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ तो आपने जुमला इसका ऐसे बनाना है रेडियो और टीवी को आहिस्ता आवाज़ में चलाना चाहिए ताकि इर्द गिर्द के लोगों के आराम में खलल ना आए तो ये इस तरह से आप लिखोगे उसके बाद अजी दाल जोज हज़रत रज़ी अल्ला हज़ूर अलैहि वसल्लम की खिदमत में कितने साल रहे ये अभी अभी, अभी आपने पढ़ा दस साल ये कहाँ पे है जी ये है ये हज़रत हज़रतस रजी अल्लाह तनहा दस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे तो ये हाजिर रहे ये यहाँ ऐसे ही जुमला लिखोगे जो ऊपर लिखा हुआ है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तन अन हो दस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहे यहाँ तक इसका जवाब है जी इसके बाद है जी क्या इस्लाम दूसरों के नाम बिगाड़ने और चिढ़ाने से मना करता है तो ये सारे का सारा जुमला यही सवाल वाला लिखोगे लेकिन शुरू में एक लफ्ज़ ऐड कर लोगे आप जी हाँ इस्लाम दूसरों के नाम बिगाड़ने और चिढाने से मना करता है सिर्फ़ जी हाँ का लफ्ज़ लगेगा और उसके बाद यही जुमला जो सवाल लिखा हुआ है इसी को जी हाँ इस्लाम दूसरों के नाम बिगाड़ने और चिढाने से मना करता है उसके बाद है जी सवाल नंबर तीन ख़ाली जगह पुर करें तो इसमें पहला जो पहली खाली जगह है मुआफ़ कर देने की रफ्श डैश करो तो इसमें लफ्ज़ आएगा इख्तियार करो इख्तियार लफ्ज़ आएगा उसके बाद अजी जाहिलों की बातों की तरफ डैश ना दो या आप पहले पढ़ चुके हो ध्यान का लफ्ज़ यहाँ पे आएगा जीम है जो तुम्हारे साथ ज्यादती करे उसे डैश कर दो यह भी आप पहले पढ़ चुके होफ कर दो इसके बाद अजी दाल जो अगर कोई आपको इसला सलाम करे तो इसका बेहतर डैश दो तो आपको पता ही है इसके बारे में जवाब दो जवाब का लफ्ज आएगा यहाँ पर इसके बाद है जो है छोटों पर डैश करो तो यहाँ पे लफ्ज़ आएगा शफकत तो ये थे आज के आपके सवाल मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ चुके होंगे अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़